दोस्तों बीजेपी के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है, कांग्रेस को तगड़ा झटका। दोस्तों वीडियो पर लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ले। आपको बता दे कि झारखंड में कांग्रेस को झटका लगने के बाद अब उत्तर प्रदेश में पार्टी को तगड़ा झटका लगा है और राज्य के दो बार कार्यवाहक मुख्यमंत्री रह चुके डॉक्टर अमर रिजवी ने कांग्रेस का साथ छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया है। उन्होंने बुधवार को पूरी तरह से भाजपा की सदस्यता ली। लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान डॉक्टर अमर रिजवी ने पार्टी नेतृत्व पर दल बदलो को तरजीह व कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय व प्रांतीय संगठन के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उन्होंने अभी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता त्याग पत्र नहीं दिया था। बता दें कि कुछ दिन पहले ही ऑल इंडिया माइनिट्रीन फोरम डेमोक्रेसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री डॉक्टर अमर रिजवी ने हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश तिवारी की हत्या की निंदा करते हुए कहा था कि हिंसा किसी भी समय का समाधान नहीं, कमलेश की जिस तरह से हत्या की गई है वह दुखद है। उन्होंने कमलेश के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। रिजवी ने सरकार से कमलेश तिवारी के परिवार को अधिक से अधिक मुआवजा दिए जाने के साथ एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की। दोस्तों आपको यह फैसला कैसा लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।